हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो आईटीआई पॉलिटेक्निक पारामेडिकल एवं जनरल कंपटीशन के लिए। जनरल कंपटीशन में भी क्या, अभी हमारा मुख्य फोकस क्या है, तो आगे जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसको फोकस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरे हुए हैं और आपका पीटी निकला हुआ है, तो उसके लिए भी ये साइंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं आईटीआई पॉलिटेक्निक पारामेडिकल ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी और विभिन्न प्रकार के वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें की साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके न्यूमेरिकल और उसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्क क्या होता है, ठीक है, कार्य क्या होता है, तो कार्य के बारे में देखा था और साथ ही हम लोग देखे थे एनर्जी के बारे में, यानी ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा में अलग अलग प्रकार के ऊर्जा भी हम लोग देखे थे, जितने भी प्रकार के एनर्जी थे सारे एनर्जी हमने इसमें देखे थे, ठीक है। आज जो हम लोग दोस्तों शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं पावर। क्या शुरू करने वाले हैं? पावर, ठीक है। पावर का मतलब क्या हो जाता है? शक्ति, ठीक है। क्या होता है? शक्ति। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पावर कैसे डिफाइन करते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या, एक प्रकार का कार्य है, लेकिन कैसा कार्य है? तो समय के साथ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप एक दिन में कुछ काम कर सकते हैं, तो अगर उसमें समय लगा दिए कि एक दिन में आप कुछ काम कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका पावर। और अगर आप बोलिएगा कि हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है, सपोज आपके आपको ये पेन बनाना है, ठीक है, आप बोलिए हाँ हम ये पेन बना सकते हैं, ये है आपका कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं। लेकिन बोलिएगा ऐसा ऐसा पेन हम एक घंटा में 20 गो बना सकते हैं, 20 पीस बना सकते हैं, मतलब समय लगा दिए, तो एक घंटा जो समय लगा उस टाइम के कारण जो ये वर्क हुआ, ये आपका पावर में बदल गया। तो कहने का मतलब पावर क्या होता है? कार्य करने की दर होता है, और दर का मतलब हो गया समय के साथ डिवाइड करना। तो बस जो आपका डेफिनेशन है वही रहेगा। क्या है आपका डेफिनेशन? तो कार्य करने की दर, ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या करते हैं? पावर से दिखाते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे? पी से सूचित करते हैं, क्लियर। अब क्या है पावर, यानी कि शक्ति, शक्ति का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? कार्य करने की दर, और दर का मतलब होता है समय के साथ भागा देना, तो समय से भागा देंगे किस में? कार्य में। तो कार्य बटे जो समय होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे, पावर बोलेंगे। कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, और समय को क्या बोलते हैं? टाइम। यानी वर्क बाय टाइम ही आपका क्या हो गया? पावर हो गया, शक्ति हो गया, क्लियर। अब अगर बात करते हैं इसका यूनिट के बारे में, या एक चीज हम लोग और जानते हैं, यानी कि पावर को पी से दिखाते हैं, कार्य को डब्ल्यू से, समय को टी से, तो पावर बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू बाई टी। अब हम लोग जानते हैं चूंकि पावर बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, याद कीजिए, सॉरी हमको हम लोगों को पता है डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये आपको पता है, हम लोग पिछला डेरिवेशन में देखे हुए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कार्य क्या होता है, ये होता है अदिश गुणनफल, किसका किसका? एफ और एस का। और जब एफ और एस का अदिश गुणनफल करें क्या बन जाता था? एफ एस कॉस थीटा, ये हम पहले दिखाए हुए हैं। अब चूंकि अगर ऐसा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पावर का बात करेंगे तो वर्क बाय टाइम,
अब वर्क के जगह क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क के जगह क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा अब बटे टाइम, ठीक है ये हो गया। अब देखिए हम पावर को कैसे लिख सकते हैं, एफ तो है इसको एस बाई टी और यहाँ कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब एस बाई टी का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब गया विस्थापन और टी का मतलब हो गया समय, विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं वेग न, तो एस बटे टी क्या बन जाएगा वी, एफ वी कॉस थीटा, तो पी बराबर क्या हो गया एफ वी कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर ना। ये हो गया पावर, या तो आप एफ वी कॉस थीटा लिखिए या वर्क बाय टाइम लिखिए, क्लियर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका यूनिट के ऊपर, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए एफ एस एफ वी कॉस थीटा है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं पी बराबर एफ डॉट वी, यही ना होगा, यही में डॉट प्रोडक्ट टूटेगा क्या बनेगा एफ वी कॉस थीटा बनेगा, बनेगा ना। तो डॉट प्रोडक्ट किसका किसका है, एफ और वी का, तो हम लोग कह सकते हैं बल और वेग के कौन सा गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट को, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं अदिश गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं बल और वेग के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं शक्ति कहते हैं, क्लियर ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या दिखेंगे देख लीजिए, हम लोग कह सकते हैं बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को, ठीक है, बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को भी हम लोग क्या कहेंगे पावर बोलेंगे, शक्ति कहते हैं, क्लियर ना। ये भी पावर का आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका यूनिट के ऊपर, तो यूनिट बनाने के लिए हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है वर्क बाय टाइम, होता है ना। वर्क जो होता है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का क्या होता है सेकेंड, तो क्या हो गया यूनिट क्या हो गया जूल प्रति सेकेंड हो गया ना। और जूल प्रति सेकेंड जो है इसी को बोला जाता है एक वाट बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको एक वाट कहा जाता है, जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं एक वाट कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पावर का एस आई यूनिट अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, या नहीं तो क्या होगा वाट होगा, क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सदिश है कि अदिश है, अभी हम क्या बताएं कि इस दोनों का कैसा प्रोडक्ट है अदिश गुणनफल, एक तो हो गया इसका एस आई यूनिट, ठीक है। अब इसका हम बात करें सदिश अदिश में, यह कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है, ये भी क्लियर हो गया अदिश राशि है कौन सा। अब क्या है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी पूछता है आपसे, विमीय सूत्र इसका क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कहते हैं विमीय सूत्र को, ठीक है। क्या होगा देख लीजिए, तो देखिए ऊपर में क्या है कार्य, कार्य का विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है ना। और नीचे में क्या है कार्य बटे समय, समय के लिए क्या लेंगे टी, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू आपके पास पहले था, ये टी ऊपर जाके हो जाएगा टी पे पावर माइनस वन, तो क्या हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री, ये हो गया इसका क्या विमीय सूत्र, क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो अगर मात्रक की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है या वाट होता है, और विमीय सूत्र की बात करें तो क्या होता है एम एल टू टी माइनस थ्री, इसका क्या हो जाता है विमीय सूत्र हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगर एचपी का बात कहा जाएगा व्यवहारिक यूनिट, ये तो हो गया आपका ऐसा यूनिट, अगर व्यवहार के तौर पर कहा जाए तो व्यवहारिक रूप से शक्ति का जो मात्रक होता है मात्रक होर्स पावर होता है, होर्स पावर जिसको हम लोग एचपी कहते हैं, ठीक है, एचपी होता है होर्स पावर, और एक एचपी का जो मान होता है ये होता है 700
746 वाट। एक एचपी का मान कितना होता है 746 वाट। क्लियर, ये हो गया इसका यूनिट। क्लियर है, तो ये आपका यूनिट यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, एक दिया गया है 100 केजी का एक व्यक्ति है। व्यक्ति कितना केजी का है, 100 केजी का। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की 100 सीढ़ी एक मिनट में चढ़ता है। कितना मिनट में, एक मिनट में चढ़ता है। टाइम दे दिया है आपका एक मिनट, और टाइम जब भी आपका मिनट में दिया रहेगा, घंटा में दिया रहेगा, तो उस टाइम को पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड आपका टाइम हो गया। क्लियर, बड़ा ज्यादा क्या, 100 केजी का वस्तु व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति का मास कितना है, 100 केजी। देखिए जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, कैसा क्वेश्चन, ऊपर चढ़ने वाला या नीचे उतरने वाला, ठीक है। तो ऊपर चढ़ना कहने वाला क्या हो गया, कार्य करना हो गया, और कार्य क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ऊंचाई के केस में ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है ना, क्या होता है, w बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही जानते हैं, बल गुना विस्थापन, ठीक है। अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है। अगर यहां हम लोग बात करें, यहां हमारे पास में क्या है कि बोला जा रहा है कि ऊंचाई जाता है, तो ऊंचाई के केस में याद कीजिए कि हम आपको क्या बोले कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। देखिए अगर बात करें ऊंचाई का, तो ऊंचाई का मतलब क्या, कार्य, ऊंचाई चढ़ना या नीचे जाना, मतलब कार्य करना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल के लिए क्या यूज करेंगे, एम इंटू ए, अब विस्थापन के लिए क्या यूज करेंगे, एच, है ना, ऊंचाई के लिए एम जी एच। ये क्या हो गया, एम ए और एच, ये हुआ ना फॉर्मूला, एम ए एच। लेकिन जब ऊपर या नीचे जाएंगे तो ए के जगह आपका क्या काम करेगा, जी काम करेगा। एक्सेलरेशन जो है वो पृथ्वी का एक्सेलरेशन काम करेगा, जी। यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो कहने का मतलब कार्य का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर क्या काम करेगा, एम जी एच काम करेगा ऊंचाई के केस में। तो अगर यहाँ पर मेरे पास पावर है, हमको निकालना क्या है, शक्ति ना, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। और कार्य के लिए ऊंचाई के केस में कौन फॉर्मूला बोले, एम जी एच बटे टी, ठीक है। अब आपके पास देखिए एम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, जी आपको पता है 9.8 होता है, अब बच गया ऊंचाई निकालना। तो देखिए अगर कोई भी आदमी सीढ़ी चढ़ेगा तो ऐसे चढ़ेगा, देखिए कितना सीढ़ी, 100 सीढ़ी, एक सीढ़ी कितना ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर। अगर ये एक सीढ़ी 10 सेंटीमीटर, दो कितना होगा 20, तीन कितना होगा 30, मतलब एक सीढ़ी गुना एक का ऊंचाई, कितना सीढ़ी है 100 सीढ़ी, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, एच का मान 100 सीढ़ी गुना एक ठो ऊंचाई, कितना होगा, एक का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते क्या हो जाएगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, एच बराबर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। एच बराबर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अब सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट आप यूज कीजिए एम जी एच। तो देखिए एच तो पावर बराबर हो गया एम जी एच, एम का वैल्यू कितना है 100 के जी, जी का वैल्यू कितना है 9.8, और एच, एच का वैल्यू कितना निकाले हम 10 मीटर, अब बटे टाइम, टाइम कितना है 60 सेकेंड, भागा दे दिए 60 सेकेंड से, बस आपका आंसर हो गया। ये पॉइंट आ गया 20, 1 2 1 2 0 कैंसिल, 3 से कटाइए 2 से कटाइए 2 3 6, 2 से हो जाएगा ये कितना 49, अब तो नहीं कटेगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 490, और ये हो गया बटे 3, तो 3 एकम 3 बच गया 1, 318, 1 0, 3 3 9 3 3 9 कितना हो गया 163.3। और चूंकि ये क्या पावर निकाल रहे हैं ना, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, 163.33 वाट हो जाएगा आपका क्या आंसर। क्लियर, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर के माध्यम से सेंड कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।